की महिला को मोदी ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर, हर तरफ मच गया सूर। महिला गांव में भाषण दे रही थी और पहुंच गए पीएम मोदी। बोले, चंदा तुम भाषण अच्छा देती हो, चुनाव लड़ लो। इधर पीएम मोदी ने चंदा को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, उधर वायरल हो गया वीडियो। कौन है चंदा, कहां रहती है और क्यों मोदी जी ने दे दिया उसे चुनाव लड़ने का ऑफर? कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे आम आदमी सपने में भी नहीं सोचता। अब यही देख लो, एक महिला जो अपने गांव में भरे मंच से भाषण दे रही थी, उसे देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया, वो भी पूरी दुनिया के सामने। लेकिन महिला ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पर अब पीएम मोदी उस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अमरोहा गांव में नवनिर्मित स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। इस दौरान एक महिला कार्यक्रम के मंच से भाषण दे रही थी और मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल मोदी जी ने महिला से बातचीत की और चंदा देवी नाम की एक महिला की सराहना की जो उस मंच पर खड़े होकर भाषण दे रही थी। क्योंकि मोदी जी उस महिला का भाषण काफी पसंद आया। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला को चुनाव लड़ने का ऑफर तक दे दिया। बता दें, वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र सेवापुरी में प्रधानमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम में चंदा देवी नाम की महिला भाषण दे रही थी, जिसे देख प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बहुत अच्छा भाषण देती हो, क्या आप कभी चुनाव लड़ा है? इस पर महिला ने इनकार कर दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आप चुनाव लड़ोगी। इस पर चंदा देवी ने जवाब देते हुए कहा कि हमने कभी चुनाव न लड़ा है, न कभी लड़ने के बारे में सोचा है, हम आपसे प्रेरित होते हैं। चंदा ने कहा, आपके सामने खड़े होकर भाषण देने में ही हम गर्व महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरा सपना और संकल्प है कि गांवों की 2 करोड़ माताओं बहनों को लखपति बनाना है। उन्होंने चंदा देवी से यही कहा कि क्या वह इस काम में उनकी मदद करेंगी। इस पर चंदा देवी ने पूरा सहयोग देने का वादा किया। इसके बाद पीएम मोदी ने सवाल किया कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं? चंदा ने जवाब में कहा कि मेरी बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ाई करती है, बेटा कक्षा 3री में पढ़ाई कर रहा है। प्रधानमंत्री ने महिला से आगे पूछा कि आप बच्चों को आगे पढ़ाओगी क्या? कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रही तो हम बच्चों को आगे जरूर पढ़ाएंगे, अच्छी कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे। उन्होंने चंदा से कहा कि आप इस काम में अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ट्रेनिंग दें, शादी ब्याह में खाना परोसने की ट्रेनिंग भी दें, जिससे आपको मदद मिलेगी। एक तरफ जहां इससे खाने की बर्बादी नहीं होगी, वहीं कमाई का भी रास्ता खुलेगा। खैर, अब चंदा देवी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।